नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन और मैं हूं ज्योति। तो आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं डीआईवाई राखी। रक्षाबंधन इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर और आई एम सो एक्साइटेड फॉर ऑल द फेस्टिवल टू स्टार्ट। तो राखी तो आप एवरी ईयर खरीदते होंगे अपने भाई को बांधने के लिए, बट अगर आप खुद से राखी बनाकर उसे बांधेंगे तो उसका जो एक्साइटमेंट और मजा है वो कुछ और ही लेवल का होता है। तो आज की वीडियो में आपके साथ 3 डीआईवाई राखी शेयर करने वाली जो कि बहुत ही ज्यादा इजी और 5 मिनट में बन जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डीआईवाई राखी के लिए हमें चाहिए होगा ईयरबड जो कि इजीली आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, और फिर इसे हमें कट करना है आगे और पीछे दोनों साइड से। इसके बाद हमें चाहिए होगी दो चार्ट पेपर्स जिसे मैंने इस तरह से सर्कल में कट कर लिया, एक भी चलेगा। और फिर उसके बाद अब मैं इसके ऊपर गम्स ठीक कर ये जो बड़ हमने काटा है कॉटन उसे हम इसके ऊपर एक एक करके प्लेस करेंगे। ये हो गया फर्स्ट लेयर। अब सेकेंड लेयर के लिए भी आपको ये जो कॉटन है जो ईयरबड है उसके ऊपर आपको फेविकोल स्टिक करना है, और उसके ऊपर थोड़ा आगे की तरफ पुश करते हुए आपको एक और एक सेम लेयर बनाना है। मैं ये सेकंड रिबन ले रही हूँ नीचे के बेस के लिए, इसके ऊपर मैं स्टिक करूंगी और ये राखी को थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मेरे पास ये कलरफुल स्टिकर है, इसे मैं ऊपर ही राखी के स्टिक करूंगी तो कि ये थोड़ा और अट्रैक्टिव दिखे। एंड देन इसके अंदर मैं स्टिक कर रही हूँ टिकली जो मैंने मॉम से बोरो की है। आप कोई भी डेकोरेटिव आइटम इसके अंदर स्टिक कर सकते हो। And this is our first राखी। This is how easy this was। Second DIY राखी के लिए हमें चाहिए होगा रक्षा धागा जो कि बहुत ही इजिली आपको पूजा के किसी भी मंदिर जहाँ पे पूजा का सामान मिलता है वहाँ पे मिल जाएगा। पहले मैं इस पूरे धागे के ऊपर गम स्टिक कर दूंगी और फिर इसके बाद मैं इसे धीरे धीरे इस तरह से रोटेट करना स्टार्ट करूंगी। आप जितना बड़ा चाहे जितना लंबा चाहिए आपको इसका गोल उतना बड़ा बना सकते हो। इस तरह से रोटेट करते करते मैंने इस तरह का एक गोल बना लिया और अब इसके ऊपर हम स्टिक करेंगे कोई भी डेकोरेटिव आइटम। तो अभी मैं इसके ऊपर ये वाला स्टिकर स्टिक करने वाली हूँ और बीच में मेरे पास एक ये फ्लावर है। मैं वो आपको स्टेशनरी में ये सारी चीजें बहुत इजीली अवेलेबल होती है, आप स्टेशनरी से ये सारी चीजें खरीद के ला सकते हैं। अब इसके बेस के लिए इसके धागे के लिए मैं यूज करने वाली हूँ सेम रक्षा धागा और इसे मैं 3 पार्ट में कट कर लूंगी दो दो करके, और फिर इसके बाद मैं इन तीनों को एक साथ बांध लूंगी और फिर इसके बाद मैं दो दो के सेपरेट कर इक्वल हाफ में इसे मैं एक ब्रेड की तरह जैसा हम नॉर्मली हमारे हेयर स्टाइल में ब्रेड बनाते हैं उस तरह से मैं इसे बनाऊंगी। और फिर इसके ऊपर मैं ये जो मैं हमने ये बनाया है राखी उसको स्टिक करूंगी। And this is our second Rakhi look. Third DIY Rakhi के लिए आपको वापस से एक बड़ा सा रक्षा धागा चाहिए, ये भी आपको किसी भी पूजा के मंदिर के जहाँ पे सामान मिलता है वहाँ पे मिल जाएगा। पहला स्टेप इसका होगा कि पहले हम इसे ऊपर से बांध लें एक नॉट की तरह और फिर इसके बाद हम इसे इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे। और मेरे पास इस तरह का मनी है जो कि आपको स्टेशनरी में मिल जाएगा और मैं इसे दोनों भी तरफ वन बाय वन ऐड करना स्टार्ट कर दूंगी। और फिर एक बार ऐड करने के बाद दोनों भी साइड एक बार ऐड करने के बाद मैं इसे नॉट की तरह बांध दूंगी ताकि ये एक सेपरेट लेयर हो और फिर जो सेकेंड लेयर हो उसके लिए एक दूसरा लेयर हो। मैं इस तरह से 3 लेयर्स बनाने वाली हूँ। आप चाहे तो अगर आप चाहे तो छोटे छोटे मनी भी यूज कर सकते हैं, बड़े बड़े मनी भी यूज कर सकते हैं।
और फिर उसके बाद मैं इसे भी एंड में नॉट की तरह बांधकर, दिस इज हाउ आवर थर्ड राखी DIY राखी लुक्स। ये जो वीडियो था आपको पसंद आया हो, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वी आर सो क्लोज टू 1000 सब्सक्राइबर्स और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मेरा वीडियो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए, और ये वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, मींस ऑन ट्यूसडे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।